हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट और इसमें हम देखेंगे कि एंगल्स और इसके टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन का बटन है इसे क्लिक करें, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक मिलते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ज्योमेट्री का मतलब समझते हैं कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो जियो, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और मैट्री का मीनिंग क्या होता है? मेजर, ठीक है। सो अर्थ को मेजर करना, ठीक है। सो ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि अर्थ को हम मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अर्थ को मेजर क्यों करते हैं, ठीक है। सो ये सबसे पहले जो कंसेप्ट था स्टार्ट हुआ था ये इजिप्ट से, ये कंसेप्ट इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सपोज करो ये नदी है, ठीक है, नाइल नदी है, ये जो नील नदी इजिप्ट की है, ठीक है। सो इसके अराउंड यहाँ पे फील्ड्स होते थे, ठीक है, लोगों के खेत होते थे, ठीक है। सो ऐसे ये अलग अलग शेप्स में जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। सो क्या होता था, जैसे नदी में ओवरफ्लो होता था, ठीक है, जो बाढ़ की समस्या लाइक सभी जगह आती है, ठीक है, जब पानी यानी कि ज़्यादा आ जाता था, सो यहाँ पे जो ये पानी था ओवरफ्लो होने लग जाता था, ठीक है, ये जो पानी था ओवरफ्लो होने लग जाता था। सो ऐसे में क्या होता था, जो ये लोगों के लाइक खेत होते थे यहाँ पे, जो इनकी बाउंड्रीज होती थी, जैसे ही पानी आता था वो बाउंड्रीज यहाँ से मिट जाती थी, ठीक है। सो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हाँ मेरी ज़मीन कितनी है या कौन सी है और तुम्हारी ज़मीन कौन सी है, ठीक है। सो यहाँ से इन्होंने बेसिक ज्योमेट्री का कंसेप्ट है जो वो इन्वेंट किया था, क्लियर है, इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था। सो इन्होंने इन्वेंट किया था जैसे कि हाँ ये स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल, इसका एरिया ऐसे मेजर करेंगे। सो जस्ट बेसिक ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है वो इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था इस वे के साथ, क्लियर है गाइस। सो एक क्वेश्चन आप लोगों ने और याद रखना है जो बेसिकली पूछ लेते हैं, ठीक है, जो लो लेवल के एग्जाम्स होते हैं, कि फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है। सो फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? यूक्लिड्स, ठीक है, यूक्लिड्स को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, ठीक है। जितना भी बेसिक कंसेप्ट था ज्योमेट्री का, लाइक लाइन हो गया, पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है, प्लेन किसे कहते हैं, वो सभी एलिमेंट्स को यूक्लिड्स ने कंपाइल किया था, ठीक है, इकट्ठा किया था और उसकी एक बुक बनाई थी, ठीक है। सो बेसिकली फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे बोला जाता है? यूक्लिड्स को, ये आप लोगों ने याद रखना है, क्लियर है गाइस। सो स्टार्ट करते हैं एंगल से, ठीक है। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है, दो रेज हैं। सो जैसे सपोज करो एक ये रे है और ये एक दिस वन रे, ठीक है, लेट ओ इज द इनिशियल पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं। सो इस ओ को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, इस ओ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? वर्टेक्स बोलते हैं, क्लियर है गाइस। सो ये जो एंगल होगा दोनों के बीच में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। सो यही क्या होता है? एंगल, द एंगल फॉर्म्ड बाय, ठीक है, बाय टू रेज, दो रो, जो दो रेज होती हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपली एंगल बोलते हैं, ठीक है। ओ इनिशियल पॉइंट होगा और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, क्लियर है। जस्ट ये तो बहुत बेसिक था। सो हम इसके एंगल्स के टाइप्स करते हैं, क्या क्या इसके एंगल्स के टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे? एक्यूट एंगल, ठीक है। सो एक्यूट एंगल क्या होता है? जो थीटा होगा वो क्या होगा? लेस देन जीरो और 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। जब थीटा जो एंगल है जीरो और 90 के बीच में होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। सो बेसिकली ये 1 से लेके 89 तक मूव करेगा, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे, क्लियर है गाइस। सो जैसे सपोज करो दिस वन, सपोज करो कि ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। सो ये एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कंडीशन याद रखनी है एक्यूट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है तब उसको क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो इसको रिप्रेजेंट करने का वे क्या है? दिस वन, ठीक है। ये जो सिंबल होता है
इसको ही हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट, अगर थर्ड साइड को भी ज्वाइन कर देंगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगी, क्लियर है। सो ये जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है, क्लियर है गाइस। सो आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जब थीटा जो होगा 90 से ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा 180 डिग्री, ठीक है। जब थीटा 90 और 180 के बीच में लाई करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं दिस वन, ये कितना है 120 डिग्री। सो 120 डिग्री यहाँ पे क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। सो यहाँ से जो थीटा होगा 91 से लेके 179 तक मूव करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, क्लियर है गाइस। सो ये जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, टाइप्स एंगल्स के जो आप लोगों ने याद रखने हैं। सो आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये कितना होगा 180 डिग्री का। सो इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। सो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जब थीटा 180 से बड़ा होगा और लेस देन 360 होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, क्लियर है गाइस। सो जैसे कि सपोज करो ये एंगल हम मेजर कर रहे हैं, ये एंगल कितना है 270 डिग्री का। सो इसी एंगल को क्या बोलेंगे, हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है। सो आगे क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे बोलेंगे, जब थीटा कितना होगा 360 डिग्री। सो वो एंगल क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट एंगल उसको बोला जाएगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, थीटा वन प्लस थीटा टू, दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम थीटा वन प्लस थीटा टू कितना होगा 180 डिग्री, सो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे दो, ठीक है, लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो यहाँ पे जो ये एंगल होगा, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, ठीक है। सो इसको हम मान लेते हैं अल्फा, तो ये भी क्या होगा अल्फा, और ये एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस एंगल के साथ, ठीक है। अगर ये एंगल क्या है बीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, बीटा होगा, क्लियर है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये ऊपर वाले दोनों एंगल्स इक्वल्स होंगे, क्लियर है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो नेक्स्ट क्या है, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। सो पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स किसको बोलेंगे, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई भी एक लाइन जो कट कर रही है इनको, ठीक है, ये जो दोनों एंगल्स का सम होगा, ठीक है, वो कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम एंगल वन मान लेते हैं, इसको एंगल टू मान लेते हैं। सो एंगल वन प्लस एंगल टू कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, सम अदर एंगल्स, ठीक है। लेट एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। एल और एम क्या है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, एंड एन इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। एन क्या है, कि ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों को कट करते हुए जा रही है, ठीक है। सो द डिफरेंट एंगल्स फॉर्म्ड आर एज फॉलो, अलग अलग एंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एंगल वन, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, एंगल फाइव, ठीक है। ये ऊपर की ओर है राइट हैंड साइड, और ये भी ऊपर की ओर है राइट हैंड साइड। सो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव होगा, क्लियर है। सो सिमिलरली एंगल फोर है जो, वो किसके इक्वल होगा, एंगल एट के इक्वल होगा। सो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो एंगल टू है, ये एंगल टू किसके इक्वल होगा, एंगल सिक्स के इक्वल होगा। और जो एंगल थ्री है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल सेवन के इक्वल होगा, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये एक अंदर की ओर एंगल बन रहा है, सो इसके ऑपोजिट दूसरी साइड में जो एंगल बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। सो इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है। सो यहाँ पे जो एंगल फोर है, एंगल फोर है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल सिक्स के इक्वल होगा। और एंगल जो थ्री है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल फाइव के इक्वल होगा।
क्लियर है गाइस? सो आगे क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो एक्सटीरियर एंगल अभी हम बाहर वाले एंगल्स देखेंगे। सो यहाँ पे बाहर एंगल क्या है, एंगल वन, ठीक है। सो ये एंगल वन है जो किसके इक्वल होगा, एंगल सेवन के, ठीक है। सो सेम केस है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ले रहे थे, अभी यहाँ पे हम बाहर वाले एंगल्स लेंगे, ठीक है। अगर हम इस साइड राइट हैंड साइड देख रहे हैं बाहर वाला एंगल, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल वन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल सेवन के। और यहाँ पे जो एंगल टू है ये किसके इक्वल होगा, एंगल एट के। सो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एट। क्लियर है गाइस? सो आगे क्या है, सम ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सो ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों का सम, ठीक है। एंगल फोर प्लस एंगल फाइव, जो इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। सो सिमिलरली जो एंगल थ्री और एंगल सिक्स हैं, एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? सो ये तो क्या थे, इंटीरियर एंगल्स से, ठीक है। अभी बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। सो एक्सटीरियर एंगल्स, यहाँ पे बाहर वाला एंगल क्या है, एंगल वन, और यहाँ पे क्या है, एंगल एट। सो एंगल वन प्लस एंगल एट दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली जो एंगल टू है यहाँ पे और जो एंगल यहाँ पे सेवन है, इन दोनों का सम भी कितना होगा, यहाँ पे 180 डिग्री। क्लियर है? सो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन। सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर है गाइस? सो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो और इसके बाद हम क्वेश्चंस आके प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। सो ये दोनों क्या है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इफ़ एंगल ई जी बी 50 डिग्री, सो एंगल ई जी बी हमें 50 डिग्री गिवन है यहाँ पे। सो फाइंड करना हमने एंगल सी एच जी। सो सी एच जी हमने ये एंगल पता करना है, सो कितना आएगा, ठीक है। सो जो हम एंगल पता करते हैं, ये जो सेंटर में होता है ना यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, सो हम ये एंगल पता करते हैं। सो सेंटर में क्या है, यहाँ पे एच। सो हम एच को ही फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है गाइस? अगर जिनको नहीं पता कि हम यहाँ पे कौन सा एंगल पता करते हैं, सो ये बेसिक जस्ट उनके लिए। सो यहाँ पे हमने एंगल सी एच जी पता करना है, ठीक है। सो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे ये एंगल कितना है 50, और ये एंगल कितना होगा यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं ना, सो जैसा कि हमने पहले किया था, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं दोनों क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल्स यहाँ पे सेम होते हैं, सो ये 50 है, ये भी क्या होगा, 50 डिग्री। सो सेम लाइन के ऊपर जो दोनों एंगल्स का सम होता है, ठीक है, वो कितना होगा, 180 डिग्री। सो यहाँ पे दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये एंगल निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x, प्लस यहाँ पे कितना है 50। सो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 50 इक्वल टू के साइड माइनस में, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से हमारा जो एंगल सी एच जी है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 130 डिग्री। सो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एंगल थीटा, ठीक है, इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। जो थीटा है वो क्या है, 1/4 है उसका ही सप्लीमेंट्री एंगल। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है यहाँ पे, 180 डिग्री, ठीक है। सो एक एंगल थीटा है, सो दूसरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर है गाइस? सो अगर एक थीटा है, सो दूसरा कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि एक एंगल अगर मैं कहूँ 80 डिग्री है, सो दूसरा एंगल कितना होगा, वो 180 माइनस 80 होगा, दैट इज 100 डिग्री, ठीक है ना। 100 प्लस 80 दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। सो यहाँ पे जो दूसरा एंगल होगा वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा। सो थीटा इज 1/4, ठीक है, ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, इसी का ही सप्लीमेंट्री एंगल, दैट इज 180 माइनस थीटा। क्लियर है? सो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो ये 4 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, इक्वल टू के उस साइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो 4 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। सो ये थीटा माइनस में, इक्वल टू के उस साइड प्लस में जाएगा, सो कितना हो जाएगा, 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5 से 180 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 3 पे, और यहाँ पे 30 कितने पे जाएगा, 6 पे।
सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36 डिग्री। सो यही हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स। सो हमने एक्स की वैल्यू पता करनी है। सो जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे टोटल एंगल्स का सम कितना होता है दोनों का, 180 डिग्री। सो यहाँ पे दोनों एंगल्स का सम हम क्या रख देंगे, 180 डिग्री। सो 3x+15 प्लस x+5, क्लियर है गाइस। सो दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। सो यहाँ पे 3x+x कितना है, 4x, और 15+5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20=180। सो 20=, क्यों सेड माइनस में जाएगा, सो 4x=180 - 20 कितना होगा, 160। सो 4 से यहाँ पे 16 कितने पे कैंसिल होगा, 4 जीरो आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। सो यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो हमने यहाँ पे एंगल ओ एम इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ओ एम, एल ओ एम, ठीक है, यहाँ पे एल है। सो एंगल एल ओ एम, ठीक है, एल ओ एम क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है एक, वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। सो हमने यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू पता करनी है। सो तीनों जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है इसका यानी कि एंगल कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। बेशक इसको आप जितने मर्जी पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो सभी का यहाँ पे जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। सो एक्स प्लस 20 प्लस आगे कितना है, 50 प्लस आगे कितना है, x-10। सो = कितना आ जाएगा ये, 180 डिग्री। सो एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2x आ जाएगा। सो 50+20 = 70, 70 को 10 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 60 = 180। सो 60 वहाँ पे किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 120। सो 2 से 120 कैंसिल करेंगे, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60 इज़ द राइट आंसर, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे x हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सप्लीमेंट्री ऑफ 80 डिग्री। सो हमने 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकालना है। सो सप्लीमेंट एंगल, ठीक है, अगर एक 80 डिग्री है सो दूसरा एंगल कितना होगा, 100 डिग्री होगा, ठीक है। सो सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। एक हमें 80 गिवन था तो दूसरा कितना आ जाएगा, 100, दैट इज बी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे ओ पॉइंट गिवन है ये। सो एंगल जो हमें बी गिवन है 3 times ऑफ एंगल पी। सो हमने एंगल पी की वैल्यू पता करनी है कितनी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। सो स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल्स का जो सम होगा, ठीक है, जोड़ होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल पी प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बीटा की जो वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 3 times ऑफ एंगल पी। सो 3 times ऑफ एंगल पी, सॉरी यहाँ पे प्लस है, सो प्लस 3 times ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमने एंगल पी निकालना है। सो एंगल पी प्लस 3 times ऑफ एंगल पी कितना आ जाएगा, 4 times ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 4 से 180 कितने पे कैंसिल होगा, 45 पे। सो एंगल पी हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। सो दैट इज बी हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। सो यहाँ पे जो ए बी है और यहाँ पे जो सी डी है, ये दोनों लाइंस क्या है, यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। सो एंगल सी ए बी, सो एंगल सी ए बी यहाँ पे 80 डिग्री गिवन है ये, और एंगल एफ ई एफ सी, सो यहाँ पे ई एफ सी, सो ये एंगल कितना है, 25 डिग्री। सो हमने सी ई एफ निकालना है, सी ई एफ दैट इज एंगल ई हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एक्स मान लेते हैं, सो ये कितना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो ए बी और सी डी, यहाँ पे दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। सो यहाँ पे पैरेलल हैं और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ठीक है। दिस ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे, कैसे, जैसे हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स किए थे, ठीक है ना, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। सो अगर ये एंगल 80 है सो ये एंगल यहाँ पे कितना होगा, 80 डिग्री होगा, क्लियर है गाइस। सो
यहाँ पे देखो अभी ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, ये जो लाइन है सी डी ई तक जो एक्सटेंड की हुई है ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। सो यहाँ पे टोटल एंगल 180 डिग्री है, सो ऊपर वाला है यहाँ पे 80 है, सो ये नीचे वाला एंगल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तभी दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे 180। सो ये जो एंगल होगा अंदर वाला ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। क्लियर है गाइस? सो अभी हमको पता है यहाँ पे जो ट्राइंगल होती है, ठीक है, सो ये कितना है 25 है, ये कितना है 100 है, और ये हमने एक्स माना है। सो तीनों एंगल में सॉरी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे 100 प्लस 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे 100 प्लस 25 कितना होगा 125 इक्वल टू के उस साइड ये माइनस में चला जाएगा। सो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर है गाइस? सो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो ट्राइंगल का पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। सो तब तक आप यही प्रॉपर्टी को, यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है यहाँ पे 180 डिग्री। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम, ठीक है, एल यहाँ पे एल है और ये एम लाइन है, ये दोनों लाइन्स क्या हैं पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो हमने एक्स की यहाँ पे वैल्यू को पता करना है, सो कितनी होगी, ठीक है। सो इसको करने का वे क्या होगा, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों के पैरेलल, एल और एम के पैरेलल यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सो ये जो लाइन है, ठीक है, एल पैरेलल टू एम है, ठीक है, और इन दोनों के पैरेलल में एक सपोज करो एन लाइन खींच देता हूँ ये, ठीक है, ये तीनों लाइंस क्या हैं पैरेलल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि हमने जो प्रॉपर्टी की थी, ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे दोनों का सम कितना होता है यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऊपर जो एंगल है उसका कितना है यहाँ पे 100 डिग्री। सो यहाँ पे जो ये एंगल होगा इसका ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो जैसा कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल लाइन होती है, दोनों एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। सो ऊपर वाला हमें 100 गिवन था, तो ये कितना आ जाएगा 80। सो सिमिलरली नीचे देखते हैं, सो ये कितना है 30। सेम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है, ठीक है, टोटल एंगल का सम 180 होता है, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 150, ठीक है। सो ये कितना है 150 है, सो ये 150 है, तो ये एंगल कितना होगा ऊपर वाला 30 डिग्री, ठीक है। सो सेम ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, सो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो यहाँ पे ये 150 है, सो ऊपर वाला कितना होगा 30, तभी दोनों का सम कितना बनेगा 180 डिग्री। क्लियर है? अदरवाइज आप यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तब भी यहाँ पे 30 ही आएगा, ठीक है। सो ये जो सेंटर में एंगल है, टोटल एंगल कितना बन गया अभी 80 प्लस 30 110, ठीक है। सो ये एंगल किसके इक्वल था, एक्स प्लस 5 डिग्री, ठीक है, ये एंगल जो था टोटल कितना था, एक्स प्लस 5 डिग्री के इक्वल था। सो ये टोटल एंगल हमारे पास कितना आया है 80 प्लस 30 दैट इज 110, ठीक है। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 इक्वल टू के उस साइड माइनस में जाएगा, सो कितना आ जाएगा 105 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस? सो यहां से हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। सो यहां पे हमें ए बी और सी डी ये दोनों लाइंस क्या हैं पैरेलल, ठीक है, दे कट पी क्यू एंड क्यू आर। सो ये दोनों पी क्यू एंड क्यू आर कट कर रहे हैं ई एफ और जी एच पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे हमें गिवन है कि इफ एंगल पी क्यू आर कितना है एक्स, एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये क्यू एंगल है जो हमें एक्स गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने पता करनी है यहाँ पे। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे हम वैल्यू कैसे पता करेंगे, सो ये देखते हैं हम। सो यहाँ पे ये दोनों क्या है लाइन पैरल्स हैं। सो यहाँ पे एक लाइन है गिवन ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये एंगल कितना है यहाँ पे 70 डिग्री है। सो ये एंगल यहाँ पे कितना होगा 70 डिग्री, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं। क्लियर है? सो ये एंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है।
सो ये 70 आ जाएगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे? सो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? टोटल 180 डिग्री। अगर ये 70 है तो ये कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो अंदर एंगल है, ठीक है, सो ऐसे ये जो फिगर साइड में बना देता हूँ जो अंदर बन रही है, ठीक है। सो ये जो क्या है, एक्स गिवन है, सो ये अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा? 110। क्लियर है गाइस? सो सेम यहाँ पे देखो, ये कितना है टोटल बाहर वाला? 140। सो ये अंदर जो ये एंगल होगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। सो यहाँ से जो अंदर वाला एंगल है ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। सो यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं फिर से, 110 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 110 प्लस 40 कितना होगा यहाँ पे? 150। सो ये 150 इक्वल टू के उस साइड माइनस में जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। सो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 30 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, इन द गिवन फिगर एंगल सी ओ ई, ठीक है, ये हमें कितना गिवन है? 90 डिग्री। एंगल सी ओ ई 90 डिग्री गिवन है यहाँ पे हमें। सो हमने एक्स की वैल्यू पता करनी है कितनी आएगी, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखो, एक स्ट्रेट लाइन है। सो यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन गिवन है हमें, ठीक है, दिस वन। सो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सभी का सम कितना होगा यहाँ पे? 180 डिग्री। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2x प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस एक्स कितना होगा यहाँ पे? 3x। सो ये 90 इक्वल टू के उस साइड माइनस में जाएगा, सो कितना आ जाएगा? 90। सो 3 से ये 90 कैंसिल हो जाएगा, x कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 30 डिग्री, दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर है? अगर यहाँ से हमें y की वैल्यू पूछते हैं, ठीक है, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो यहाँ पे सी डी है जो एक स्ट्रेट लाइन है, सो यहाँ पे इसके ऊपर जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना है? 180 डिग्री। सो 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने 30 निकाली, सो 30 प्लस 90 कितना हो गया यहाँ पे? 120। सो 120 इक्वल टू के उस साइड माइनस में जाएगा, सो 120 माइनस 120, वाई कितना आ जाएगा यहाँ से? 60 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से वाई 60 आ जाएगा। अगर आपको पूछते हैं, अगर आप यहाँ से जेड की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। सो टोटल ए बी के ऊपर एंगल कितना होगा? 180। सो 180 में से 60 माइनस करेंगे, सो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ज्योमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया एंगल एंड ट्राइंगल का। क्लियर है? सो इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम ट्राइंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखें कैसे हम उनको सिंपल वे में कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, या आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा गाइज। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपका चैनल सब्सक्राइब्ड है, तो आप उसको ईजिली से फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं वीडियो को। क्लियर है? अगर आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा, अगर वो एक बार वीडियो अपनी स्क्रीन से चला गया तो वो वीडियो फिर से नहीं आता। सो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।